हेलो फ्रेंड, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? मैं आज अपने किचन में रेसिपी ले आई हूँ, पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी तो फ्रेंड सारे लोग बनाते हैं, लेकिन किसी किसी की स्टाइल दूसरे ढंग के होती है। तो फ्रेंड मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो हम मटर पनीर आज बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड कैसे बनता है इसको हम बता रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आप पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। पहला नंबर देखिए, ये देखिए मेरा करीबन 5/6 प्याज कटा हुआ है, ये लहसुन है, बारीक 2 हरी मिर्ची है, ये अदरक है। तो फ्रेंड इसको मैं एक एक ही बार में मतलब पीसूंगी, अलग अलग नहीं इसको ग्राइंड करूंगी। और फ्रेंड ये देखिए हमारा करीबन ये मटर है, एक पहिया। आप एक पहिया तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है। ये फ्रेंड देखिए हमारी पनीर है, करीबन आधा किलो है ये। तो आधा किलो फ्रेंड कितना क्या मतलब मसाले वगैरह क्या डलता है ये भी मैं आपको सब बताती हूँ। तो करीबन मेरा आधा किलो ये है फ्रेंड। और ये देखिए ये प्याज है, और ये 3 टमाटर है फ्रेंड। ये देखिए 3 प्याज है, 3 टमाटर है। इसको हम कब डालेंगे हम आपको बताते हैं, क्या डालने से कैसी सब्जी बनती है। तो फ्रेंड अगर अच्छा हो जाता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को आगे आप बढ़ाइए। तो फ्रेंड हम मसाले में क्या क्या डालते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। और हम सारा सब लोग अलग अलग ग्राइंड करते हैं, लेकिन फ्रेंड हम अलग अलग नहीं करेंगे, हम सारा एक ही में मिक्स करेंगे। ये देखिए करीबन ये देखिए फ्रेंड हमारा सारा मिक्स है। ये लहसुन भी आप कलियां भी आप देख रहे हो कितना है। इसमें थोड़ी सी मेरी प्याज कम है, हल्की सी, इसमें थोड़े से और प्याज हम डालेंगे। हाँ फ्रेंड एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहती हूँ, जो अदरक होता है वो प्याज का मीठापन ख़त्म कर देता है। ये करीबन देखिए फ्रेंड हमारा मसाला है, किचन किंग मसाला है। हम 4 चीज़ देखिए, इसमें हम 4 चम्मच मसाला भी डालेंगे अपना। देखिए फिलहाल आपको जैसे पसंद हो आप उसी अनुसार डालिएगा। ये देखिए फ्रेंड ये हम 4 चम्मच मसाला डालते हैं, आधा किलो में 4 चम्मच पड़ता है मसाले। और करीबन फ्रेंड 1 चम्मच हम हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच ये डालेंगे फ्रेंड जीरा, क्योंकि ज़्यादा जीरा डालने से तीखापन हो जाता है, ज़्यादा जीरा नहीं डालनी चाहिए। और इसमें फ्रेंड 2 लवंग डालेंगे, इसको बाद में हम डालेंगे लवंग, इसलिए नहीं आपको इसमें नहीं दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड चलते हैं ग्राइंड करते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा ग्राइंड हो गया है, ऐसे ही रहना चाहिए, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करनी है फ्रेंड। ये देखिए तो अब चलते हैं पनीर काटते हैं। तो फ्रेंड कैसे पनीर काटते हैं हम इसको बताते हैं। ये देखिए करीबन ये देखिए हम फिर शुरू करते हैं, पनीर को काटते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा करीबन ये है, हम इसको कट कर रखे हैं। अब चलते हैं हल्का से इसको क्या कहते हैं फ्राई करेंगे। फ्रेंड देखिए हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, अब इसको इसको 5 मिनट लगेगा। ये देखिए फ्रेंड ज़्यादा तेल नहीं डालना है, क्योंकि तो फ्राई करनी है तो फ्राई में ज़्यादा तेल नहीं डालना है, ज़्यादा फ्राई नहीं। देखिए तो फ्रेंड देखिए हमारी कढ़ाई करीबन गरम हो चुकी है। हम पनीर को फ्राई करेंगे हल्का से, इसमें हल्की सी बहुत ज़रा से हरी धनिया डाल के ट्राई करेंगे कि हमारा ये तेल गर्म होगा। देखिए कि फ्रेंड गर्म हो चुका है। तो फिर हम इसको अब डालते हैं पनीर अपना। ये देखिए थोड़ा सा करीबन आप देखिए इसमें बहुत हल्का सा नमक डाल दीजिएगा, बहुत हल्का सा, ज़्यादा मत डालिएगा,
क्योंकि नमक से जो होता है रेड हो जाता है, चाहे प्याज हो और चाहे पनीर हो, कोई भी चीज़ अगर आपको जल्दी है तो जल्दी अगर आप होता है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा हल्का नमक डाल देंगे, नमक डालने से वो करीबन तुरंत ही मतलब रेड कलर पे आ जाता है। तो फ्रेंड इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, बहुत हल्का से। अभी हम आपको दिखाते हैं कि नमक का क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखिए फ्रेंड, ज़्यादा मत डालिएगा आप इसमें, ज़्यादा डालेंगे तो सॉफ्टपन ख़त्म हो जाए, इसलिए ज़्यादा मत डालिएगा बहुत हल्का सा, क्योंकि मुझे ज़्यादा रेड नहीं करना है इसको। ज़्यादा रेड करने से पनीर का जो मुलायम रहता है सॉफ्टपन ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड ज़्यादा इसको लाल रेड मत करिएगा, हल्का बहुत करीबन 10 मिनट से ऊपर मत इसको रेड करिएगा। तो फ्रेंड मेरे देखिए 10 मिनट तक हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये 10 मिनट हो गया, हम इसको निकाल लेते हैं। फिर ये देखिए, तो फ्रेंड देखिए हमारा ये मटर जो तेल इसमें बचा हुआ था जो पनीर फ्राई किए थे, तो वही इसमें हम डाल देते। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, फिर बहुत हल्का सा इसको भी करेंगे, क्योंकि ये मसाला मेरा पकेगा तो इसको ज़्यादा पक जाएगा तो स्वाद भी नहीं अच्छा लगेगा। इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे फ्रेंड, इस मटर को ज़्यादा नहीं पकानी है मेरे को, ना फ्रेंड पनीर ज़्यादा पकाना है ना मटर पकानी है। इसको भी हम 10 मिनट तक ही पकाएंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये हो चुका है मटर, इसको हम निकालते हैं। ये देखिए देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है इसका, करीबन मैं 10 मिनट तक इसको पकाई हूँ, इसका कलर देखिए कितना बेस्ट आया है। तो इसको भी हम अच्छे ढंग से निकाल लेते हैं। फ्रेंड देखिए अब इसमें हम प्याज डालते हैं, हमारी कढ़ाई एकदम गर्म हो गई है। ये देखिए फ्रेंड एक इसमें हम लवंग डाले हैं, उसके बाद इसमें छोटी इलायची डाले हैं, फिर प्याज डाल के फ्राई कर रहे हैं फ्रेंड। ये देखिए एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। प्याज को ज़्यादा लाल मत करिएगा, हल्का ब्राउन कलर। तो देखिए फ्रेंड हमारा ही प्याज हो चुकी है, ये देखिए हमारा ये ब्राउन कलर हो गया है। ये देखिए तो फ्रेंड देखिए हमारा हो चुका है मसाला। अब इसमें हम ये मसाले जो पीसे हुए सारे मसाले हैं मैं इसको सारे डालती हूँ फ्रेंड। इस मसाले को करीबन हम 20 मिनट तक पकाएंगे। तो फिर इसको ढक करके रख दीजिए, स्लो वॉच करके धीरे धीरे। आज जितना धीरे धीरे पकता है फ्रेंड उतना ही मसाला का टेस्ट अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मसाला जब भी आप पकाइए बहुत स्लो जो है। तो फ्रेंड देखिए जब तक ये मेरा मसाला पक रहा है, देखिए मेरे मसाला पक रहे हैं, तब तक मैं टमाटर को ग्राइंड कर लेती हूँ। और टमाटर देखिए एक टमाटर में 4 भाग करना है। ये देखिए फ्रेंड 4 भाग नहीं करते तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये अच्छे से क्या कहते ग्राइंड हो जाएगा, वैसे और कोई बात है नहीं। ये देखिए फ्रेंड तो हम इसमें 3 टमाटर हम लिए हुए हैं, ज़्यादा खट्टा होगा तभी भी नहीं अच्छा होगा। इसको अच्छे ढंग से हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड तो हम चलते हैं इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम ग्राइंड कर रखे, हमारा कितना पतला पेस्ट हुआ है।
तो अभी हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, इसको बंद करके ढक करके रख देते हैं। एक बार मैं मसाला चेक करती हूँ, फिर मसाले का क्या कलर कैसा आया हुआ ये देखिए फ्रेंड। एक चीज़ तो हम आपको बता चुके हैं मसाला का पहचान क्या होता है फ्रेंड, इसको तो मैं आपसे बता ही चुकी हूँ कि मसाले का फ्रेंड जब इसमें तेल ऊपर आने लगे तो जान लीजिए आपका मसाला परफेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड स्वाद अनुसार नमक डालेंगे ये देखिए इसमें, क्योंकि दो बार आप नमक हल्का हल्का डाल चुके हैं तो इसलिए अंदाज के डालिएगा, स्वाद अनुसार ही डालिएगा। तो फ्रेंड देखिए हमारा मसाला हम खोल रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको, देखिए कितना परफेक्ट मसाला मेरा आया हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड मेरा मसाला पक भी गया है ये देखिए। तो फ्रेंड इसमें हम डालते हैं जो हम मटर को बॉयल फ्राई किए हुए थे, ये देखिए मटर जो फ्राई किए थे फ्रेंड, इसमें हम मटर डालते हैं अपना ये देखिए, क्योंकि इसलिए इसमें डालें जो हल्का फुल्का कच्चापन होगा वो इसमें पक जाएगा मसाले के साथ ये देखिए फ्रेंड। अब उसको हम डालते हैं फ्रेंड जो अपने टमाटर को ग्राइंड किए हुए थे ये देखिए, ये पिसा हुआ टमाटर था जो ग्राइंड किए थे, उसको भी इसी में हम डाल देते हैं। हमारा जो ग्राइंड किया हुआ टमाटर था फ्रेंड इसको हम इसी में डाल देते हैं, अच्छे से इसको चला करके करीबन हम 10 मिनट को फ्रेंड पकाते हैं। टमाटर जो होता है फ्रेंड नमक को खींचता है, तो हल्का सा नमक इसमें बहुत हल्का सा एक्स्ट्रा ही डालना है ये देखिए फ्रेंड। इसको हम करीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि मेरा मसाला और टमाटर एक साथ अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड देखिए मेरा मसाला खूब अच्छे ढंग से, टमाटर और मसाला देखिए कितना परफेक्ट कलर आया हुआ है, ये आप देखिए फ्रेंड ये देखिए कितना बेस्ट आया हुआ है। अब इसमें हम पनीर डालते हैं ये देखिए फ्रेंड, पनीर डालते हैं ये देखिए फ्रेंड। तो इसमें हम करीबन 5 मिनट जो है पनीर को पकाएंगे देखिए, ज़्यादा नहीं पकानी है क्योंकि हल्का से इसमें घुल जाए अच्छे ढंग से मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है फ्रेंड करीबन। तो फ्रेंड 5-10 मिनट तक इसको पकने दीजिए ताकि पनीर भी घुल जाए रसे के साथ। तो फ्रेंड देखते हैं सब्जी मेरी कैसी कलर आई कैसा हुआ। तो फ्रेंड देखिए मेरी सब्जी कितनी बेस्ट आई है ये देखिए फ्रेंड देख रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे हल्की से, तो फ्रेंड चलते हैं इसको सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए हम इसको सर्व कर रखे हैं कितना बेस्ट है ये देखिए फ्रेंड कितना बेस्ट कलर ये आया हुआ है मेरे, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड। वाह क्या ये देखिए फ्रेंड एकदम हलवाई जैसे हम बनाए हुए हैं देखिए फ्रेंड एकदम हलवाई जैसा है ना। तो फिर आप इसको खाइए टेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, आप लोग के सहयोग से मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, आप लोग से बहुत बहुत अनुरोध है। तो फ्रेंड टाइम हो गया है क्वेश्चन का, आज का क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर आप शहर गांव बस्ती ढूंढ सकते हैं पर आदमी नहीं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मेरे इंस्टाग्राम में जा करके देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।